गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के दिन हम जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक विटामिन्स के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितने भी एग्जाम वगैरह देते हैं, लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स में किसी प्रकार का हो, चाहे आईसीएस का हो, पीसीएस का हो, एनटीपीसी का हो, किसी प्रकार का एग्जाम हो, लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स में विटामिन्स बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत नज़र डाला जाए विटामिन्स के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो जैसा कि ये तैयारी का क्लास है, तो इसके बारे में ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा। वैसे संक्षेप में जान लीजिएगा कि विटामिन्स क्या होता है। विटामिन्स वृद्धिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारे सेल्स या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खासतौर पर विटामिन्स में दो टॉपिक ज़्यादा पूछा जाता है। पहली बात, सोर्स क्या है इसका, और दूसरी बात कि कौन से विटामिन से कौन सी बीमारियाँ होती हैं। कभी कभी इस टॉपिक में यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी विटामिन्स की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। तो हम लोग इसमें वन बाय वन करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन्स। दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में विटामिन्स का नाम याद रखने की। वैसे आप लोग जानते होंगे विटामिन्स में 6 विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई और के। समस्या ये नहीं है याद करना, समस्या ये है कि इसका जो केमिकल नेम होता है वो कई बार पूछा जाता है। जैसे भी हाल ही में लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी विटामिन से निर्भर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और खास तौर पे उसमें केमिकल नाम ही पूछा जाता है। और बाकी आइए देखते हैं विटामिन के केमिकल नाम याद रखने के लिए सबसे सरल तकनीक, सबसे सिंपल ट्रिक है मैं बता रहा हूं। जैसा कि आप प्रकार तो जानते ही हैं, प्रकार 2 टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्वर जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्वर विटामिन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनकी संख्या 4 है, ए डी ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन की संख्या है 2, बी और सी। दोस्तों, इन 6 विटामिन में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर बात करें, निर्भर हर प्रकार के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है बी और ए। कभी कभी डी की भी इसमें बात कर ली जाती है। तो ये तो सिंपल टॉपिक है, 6 प्रकार के विटामिन है, आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये याद करना कठिन नहीं है, कठिन ये याद करना है कि कौन से विटामिन का क्या केमिकल नाम है। तो आप जानते हैं विटामिन 2 प्रकार हैं, सॉल्वेबिलिटी के अकॉर्डिंग, घुलनशीलता के अनुसार पे विटामिन 2 टाइप के हुए, एक आपका वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा आपका जल में घुलनशील विटामिन। इसमें से आप एक याद कर लीजिए, सबसे सरल है कि आप एक याद कर लीजिए, बी और सी, बाकी 4 अपने आप याद हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये देखते हैं ट्रिक्स क्या है, केमिकल नेम कैसे याद करें हम लोग इसका। तो विटामिन के रासायनिक नाम याद करने का ट्रिक, खासतौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, यही सबसे ज्यादा पूछा भी जाएगा आपसे, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो ट्रिक आपका है रक्त के
सिंबल है रथ एक टॉफी, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं रथ एक टोन है। फिलहाल ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। फिलहाल जैसे कि आपको पता है कि विटामिन सिक्स है, तो हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी को सीरियल नंबर से जैसे यहाँ पर लिखा गया है वैसे यहाँ पर इसको व्यवस्थित कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए बी सी डी ई और के। देखिए दोस्तों, इसको आप सीरियल से मतलब रख सकते हैं इसे, और ऊपर वाला जो ट्रिक है आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग सोचते होंगे हम इसे ऐसे करते हैं एक रथ टॉफी, ये भी सही हो सकता है, लेकिन उस प्रॉब्लम में क्या होगा कि ये क्रम हमको बदलना पड़ेगा। जब हम लिखेंगे एक रथ टॉफी तो सीक्वेंस चेंज हो जाएगा सी डी ए डी ई के, तो प्रॉब्लम दो होगी कि आपको ये भी याद करना पड़ेगा ऊपर वाला भी और नीचे वाले भी ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो समस्या इतना ना हो इसलिए सबसे आसान तरीका है कि आप सिर्फ ऊपर वाले को याद कर लीजिए, नीचे वाला तो हमेशा साथ दे रहे हैं ए बी सी डी ई के। ठीक है, अब देखते हैं इनका रासायनिक नाम क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ आसानी से याद आ जाएगा। तो ए का रासे रासे रेटिनॉल क्या होता है, रेटिनॉल कन्फर्म हुआ। था से थायमिन, सी का ए से होगा एस्कॉर्बिक एसिड यानी अम्ल, डी का से कैल्सी फेरॉल कैल्सी फेरॉल, ई का टा से टोको फेरॉल, और लास्ट है आपका के का। दोस्तों मैंने बताया जैसा कि आप यहां पर टॉफी या टोने भी लिख सकते हैं, दो नाम किस लिए, क्योंकि के दो रासायनिक नाम है, अगर आप ने लिखते हैं तो उसका नेफ्थोक्विनोन होगा, अगर आपका फी लिखते हैं तो उसका पियोक्विनोन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से किसी के भी यहां पर दो नाम नहीं है, इसके दो नाम है। सो कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा नाम दे देता है और आप पहला वाला याद करके जाते हैं और वहां पर फंस जाते हैं, इसलिए आपको दोनों याद करना है। तो फी से फियो क्यू फियो क्वी नोन, जैसा कि मैंने बताया अगर आप यहां पर न लिखते हैं तो न लिखते हैं तो ये हो जाएगा नेप्थो नेप्थो क्विनोन। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको सिर्फ ऊपर वाला याद करना है ए बी सी डी ई के, ये क्रम तो आपको याद ही होगा पहले से ही, लोअर क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये था 6 विटामिन्स के रासायनिक नाम याद करने का तरीका। अब हम पढ़ते हैं इसके अन्य प्रकार के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि यहां पर 6 विटामिन लिखे गए हैं, इनमें से किसी का प्रकार नहीं है, बी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं 12 प्रकार का होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगले ट्रिक के बारे में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आईसीसी ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विटामिन्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन बी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सो ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस इसी टॉपिक से पुट अप किए जाते हैं और ज्यादातर लोग कंफ्यूज भी इसी टॉपिक में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जैसा कि सामने लिखा गया आपके
बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो जान लीजिएगा। वैसे विटामिन की डिस्कवरी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस विटामिन की खोज किस साइंटिस्ट ने की है बहुत ही बढ़िया ट्रिक के माध्यम से। तो रही बात अभी इस टॉपिक के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, वो बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपने अगले वीडियो में, उसको भी जरूर देखिएगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स क्या, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है समूह, ग्रुप होता है। तो जैसा कि आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया भी गया होगा कि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, यहां पर देखते हैं आपके सामने लिखे गए हैं 12 प्रकार। विटामिन बी 12 प्रकार का होता है। फुंक के अकॉर्डिंग, फुंक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसकी डिस्कवरी सॉरी इसका संश्लेषण किया था, इसके रवे तैयार किए थे, उन्होंने बताया था कि विटामिन बी जो है 12 प्रकार का होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें 12 के बारे में नहीं पढ़ना है, जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट विटामिन बी के प्रकार हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं, हम कोई क्लास नहीं कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा लेक्चर के बारे में करेंगे, शॉर्ट टाइम में बेहतर तैयारी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो जैसा कि आपके सामने लिखे गए हैं 12 प्रकार, जिसमें से हमने सिर्फ यहाँ पर 6 पुटअप किए हैं, बिकॉज ये 6 वो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं लगभग ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ट्रिक्स आपके सामने लिखी गई है, थार पैनी पास, बहुत ही आसान ट्रिक है, छोटा सा ABCD की तरह है, थार पैनी पास, और इसमें इसके नीचे लिखे गए हैं B1, B2, B5, B3, थोड़ा सा क्रम आप देख सकते हैं, पर मैंने 3 को लास्ट में कर दिया है, 5 को पहले लिखा है, उसका भी रीजन है, ध्यान दीजिएगा, B6 and B12। तो नीचे वाला तो आप याद भी कर लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे याद करेंगे ध्यान दीजिएगा, थार पैनी पास ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है फिलहाल। तो B1 का आपका केमिकल नाम, रासायनिक नाम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका जो केमिकल हम लोग नेम पढ़ने जा रहे हैं, तो B1 का था से, दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, था से थायमिन। B2 का केमिकल नाम रा से राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। दोस्तों राइबोफ्लेविन से एक बात मुझे याद आई कि बी में अगर कुछ ज्यादा पूछा जाता है तो वो राइबोफ्लेविन से ही पूछा जाता है। आप एक चीज गौर करते होंगे, ठंडियों का समय आ गया है, ठंडी के समय में ज्यादातर तो लोगों के होंठ फटते हैं, और ये टॉपिक जो है ऐसे ठंडी के दिनों में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ज्यादा पूछा जाता है कि जो होंठ का फटना है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होंठ का फटना ये बीमारी होती है जिसे आप किलोसिस के नाम से भी जानते होंगे। दोस्तों अच्छा यहां से देखिएगा, मैंने 3 को बाद में कर दिया है, 5 को पहले लिख दिया, इसका भी एक रीजन है, हम यहां पर ट्रिक देख रहे हैं, थार पैनी पास लिखा हुआ है, अगर हम 3 पहले कर देंगे 5 बाद में कर देंगे तो ट्रिक बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, थार नीपे पास, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, टफ भी हो सकता है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, थार पैनी पास, कोई डाउट नहीं है, वेरी सिंपल प्रोसेस है, क्या लिख लीजिएगा, याद करना बहुत आसान है, इसको देख लीजिएगा, वैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 मतलब पेंटा होता है, पेंटा मतलब 5, इसी के ऊपर लिखा पेंटा, तो याद रहेगा कि 5 के ऊपर ही पैर रहेगा, तो पेंटा मीन्स 5, ध्यान दीजिएगा, इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, और 3 का नियोसिन, नी से नियोसिन, नियोसिन को एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो जहां पर 2 नाम आ जाएं वहां पर आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से कोई लैप्स हो सकता है, गायब हो सकता है, और दूसरा आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो याद रहे 3 का नीचे
नियोसिन हो सकता है या निकोटिनिक अम्ल हो सकता है, दो नाम है याद रखिएगा। बी सिक्स का पास है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। अच्छा बी सिक्स के मुझे एक बात याद रही है यार, आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग जो रात को सपने देखते हैं वो सुबह होते ही भूल जाते हैं। एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रात को देखे हुए सपने हम सुबह भूल क्यों जाते हैं, अगर भूलते हैं तो ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस चीज को आप बहुत ही आसान तरीके से याद रखिएगा, बी सिक्स, इसे स्वप्न संबंधित विटामिन भी कहा जाता है, सपनों से संबंधित विटामिन। अगर किसी व्यक्ति में इसकी कमी होगी तो उसे सपने याद नहीं रहते हैं। इफ अगर किसी पर्सन में इसकी मात्रा ज्यादा है किसी व्यक्ति में तो उसे सपने याद रहते हैं सुबह जगने के बाद भी। तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये स्वप्न संबंधित विटामिन है। क्या है ये? स्वप्न से स्वप्न संबंधित विटामिन भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है याद रखिएगा। आइए बात करते हैं बी12 के बारे में। तो बी12 का जो केमिकल नेम है वो सा से है, सा से साइनोकोबालमिन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये साइनोकोबालमिन। एक बात बता दूं मैं आपको, अभी पिछले समय में जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें साइनोकोबालमिन से एक क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट था, जिनको याद होगा वो कर लिए होंगे उसको, बहुत ही आसान तरीका था। क्वेश्चन पूछा गया था कि साइनोकोबालमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो बहुत आसान है याद रहे साइनोकोबालमिन जो है विटामिन बी12 का केमिकल नाम है। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि कोबाल्ट एलिमेंट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कोबाल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोबाल्ट जो है किस जो है विटामिन में पाया जाता है, तो इसलिए इसमें कोबाल लिखा हुआ है, तो कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है इसलिए इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स के विटामिन के खोजकर्ता का नाम कैसे याद रखें बेहद आसान ट्रिक में। तब तक लिए शुभ रात्रि।